मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। गाजियाबाद, सनातन धर्म की रक्षा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। श्री महंत नारायण गिरी। दो दिवसीय सनातन कॉन्क्लेव सनातन धर्म को मानने वालों को एकजुट करेगा। गोविंदपुरम के प्रीतम फार्म हाउस में 7 और 8 अक्टूबर को होगा सनातन कॉन्क्लेव। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा दिल्ली संत महामंडल के मार्गदर्शन और संरक्षण में अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान द्वारा दो दिवसीय सनातन कॉन्क्लेव का आयोजन 7 व 8 अक्टूबर को किया जाएगा। कॉन्क्लेव 7-8 अक्टूबर को प्रीतम फार्म गोविंदपुरम गाजियाबाद में होगा। कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर बुधवार को RDC स्थित कृष्णा सागर में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। अब दुनिया को सनातन का महत्व समझाने का समय आ चुका है। संत सदैव समाज के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। अब फिर वैचारिक संघर्ष के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो मानवता के कल्याण का रास्ता दिखाता है। इसी कारण आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी से घबराकर कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मगर वे ये भूल गए हैं कि सनातन धर्म को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। जिस धर्म की रक्षा खुद संत व भगवान करते हो, वह धर्म हमेशा रहेगा और ऐसा धर्म सनातन धर्म ही है। शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि आज सनातन की रक्षा के लिए सनातन के मूल सिद्धांतों को विश्व के समक्ष रखना अति आवश्यक हो गया है। सनातन कॉन्क्लेव इस कार्य की एक शुरुआत भर है। अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम अवश्य ही करेंगे। अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुकेश त्यागी ने कहा कि अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान विगत अनेक वर्षों के श्राद्ध पक्ष के अंतिम रविवार को सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए अपने प्राण देने वाले अमर बलिदानियों के सम्मान में श्रद्धासुमन समर्पित करने के लिए तर्पण एक महाश्राद्ध का आयोजन करता है, जिसमें हवन और दीप यज्ञ के माध्यम से अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और पूरे देश से विख्यात वीर रस के कवि अपनी रचनाओं से श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और दिल्ली संत महामंडल के मार्गदर्शन और संरक्षण में अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के तत्वावधान में दो दिवसीय सनातन कॉन्क्लेव के रूप में मनाया जा रहा है। सुप्रसिद्ध हिंदूवादी विचारक व लेखक विनोद सरवोदे, संस्थान के चेयरमैन नीरज त्यागी, संजय बहेली, कोषाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, मोरटा नरेंद्र काकड़ा, मोहित बजरंगी, अवनीश त्यागी, विशाल त्यागी, विकास त्यागी, अखिल भारतीय त्यागी, ब्राह्मण सभा के मास्टर ब्रह्मदत्त त्यागी, विजेंद्र त्यागी, सुरेश त्यागी, अजय दिनकरपुर, सेवाराम त्यागी, मुकेश त्यागी, पुनीत त्यागी, अरुण त्यागी, वेरा प्रेमदत्त त्यागी, दुहाई आसाराम त्यागी आदि भी मौजूद रहे। मान लीजिए कि जो कोई ऐसे लोग जो बोल रहे ऐसे एक मानसिक विकृत मानसिकता वाले हैं कि वो स्वयं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए कि उदय स्टालियन ने जब बोला तो ये क्या है कि वो स्वयं एक अपने आप में वो कोरोना है, मतलब एक तरह से जो है वो मलेरिया, वो स्वयं में ये क्या है कि सत्ता जो सत्ताजीवी है, सत्ता को प्राप्त करना, सत्ताजीवी होता है ना, एक जो है एक होता है पशु होते हैं, एक होता है सत्ताजीवी। तो इस सत्ता के जो है